नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। दाता सबको सुखी रखे, खुश बख्शे। आज हम बात करेंगे आपके बुढ़ापे की। बुढ़ापा तो हर किसी का आना है, कुछ ने तैयारी की है, कुछ ने नहीं की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका बुढ़ापा कैसा बीतेगा या आप अपने बुढ़ापे को कैसे खुशहाल कर सकते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही और किन विषयों पर बात करेंगे, आइए जानते हैं। राशि के हिसाब से कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आज जानिए आपके बुढ़ापे में क्या दिक्कत आपको उठानी पड़ेगी, क्या आपकी कुंडली में आगे दुख लिखे हैं, किसे बुढ़ापे में परिवार रिश्तेदारों का साथ नहीं मिलेगा, पिछले कर्मों का बुढ़ापे की तकलीफों से क्या संबंध है, बुढ़ापे में होने वाली परेशानियों को दूर करने का अचूक उपाय जानेंगे। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और अपना सवाल पूछना है। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर भी आप अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए। हम अपना पहला कॉलर लें, लेकिन उससे पहले बारी आती है आपका दिन का हाल जानने की। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका आज पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। परिवार के साथ में भी बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। कार्य के प्रति भी उत्साह बना रहेगा और हर तरह की सफलता के आज संयोग बनेंगे। वृषभ राशि में अच्छा मन लगेगा, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। परिवार के साथ में भी बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। कार्य के प्रति भी उत्साह बना रहेगा और हर तरह की सफलता के आज संयोग बनेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन उत्तम है। आज अगर किसी भी तरह से किसी नए काम के अंदर कोई नया साझेदार मिलाना चाहे उसके लिए भी दिन बहुत उत्तम है और पैसा जमा भी करेंगे और मेहनत से आप कमाएंगे भी। आज का दिन हर तरह से उत्तम है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन यात्राओं के लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि आज शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरी तरह से मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। गुरु जी, बुढ़ापा तो हर किसी का आना है, लेकिन कुंडली में ऐसे कोई योग होते हैं, लक्षण होते हैं जिनसे पहचान सके कि हमारा बुढ़ापा अच्छा नहीं जाएगा? बिल्कुल बेटा, ऐसे होता है। पहले मैं ये बता दूं कि ये होता कैसे है। जन्म कुंडली के अंदर दूसरा घर और चौथा घर ये बुढ़ापे के ग्रह होते हैं, यानी कि बुढ़ापे का घर होता है। और इन घरों के अंदर अगर किसी भी तरह से बुरे ग्रह, दुश्मन आपस में जो ग्रह हैं, या पापी ग्रहों के साथ मिलकर के शुभ ग्रह पड़े हुए हों, तो बेटा इंसान का बुढ़ापा बहुत खराब होता है। ऐसे में जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसकी कार्य क्षमता तो कमजोर होती ही है। अपने ही घर के अंदर अपना बस नहीं चलता, अपने नसीब के ऊपर बस नहीं चलता। ऐसी अवस्था में कहते हैं ना कि घर के अंदर समृद्धि हो तो सब ठीक, लेकिन अगर समृद्धि भी जाने लगे तो फिर घर के अंदर क्लेश ज्यादा बढ़ने लगते हैं, एक दूसरे की सुनने में भी तकलीफ होने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लमें बुढ़ापे के अंदर आती है जब जन्म कुंडली का दूसरा या चौथा घर बाधित हो, किसी भी तरह से तकलीफ दे बैठा। हमने एक रिसर्च करी थी, उस रिसर्च के अंदर भी हमने पाया था जितने भी ये बुजुर्ग आश्रम है इनमें जाकर के हमने जितनों की भी जन्म कुंडली हो सकी हमने वो मांगी और देखी। उन सबकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर कोई भी शुभ ग्रह अगर बैठे हुए हैं और साथ में अगर खराब ग्रह यानी कि पापी ग्रह बैठे हुए हैं साथ में, तो लगभग सबकी कुंडली के अंदर एक जैसे ही हालात मिले। शुभ ग्रह बदल सकते लेकिन पापी ग्रह वही है, शनि राहु के तो। इनके साथ में बैठे हुए ये बुढ़ापे को खराब करता है। जैसे मंगल और बृहस्पति का मेल जन्म कुंडली के दूसरे घर में हो और राहु साथ में बैठा हो, तो यानी कि अष्टम भाव से केतु की दृष्टि,
ये योग एक ऐसा योग है कि जिनके भी यहां पर पहले पुत्र के सुखों के अंदर दिक्कत रही है या पुत्र के स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत रही है या पुत्र है नहीं, तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर बेशक बेटियां भी साथ में रही लेकिन पूरी जिंदगी आदमी ने पूरी मेहनत करके पूरी कमाई करी, अपने घर वालों को सारे सुख दिए, मकान भी बहुत आलीशान बनाया, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन बेटा बुढ़ापे में आते ही यानी कि जैसे ही उसकी उम्र लगभग 52 साल प्लस हुई तब उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ और उसके कमर और पांव के हिस्से के ऊपर चोट लगी। इतने में ही बेटा उसकी पत्नी और बच्ची ये आपस में मिलकर घर के अंदर टेंशनों के हालात बड़े खड़े कर लिए और उनको अपने भविष्य की चिंता पड़ गई और जिसके चलते हुए जीवन भर के अंदर जो उसने पहले कोई गलतियां करी भी होंगी वो सारी गलतियां निकाल के बेटा उसको परिवार से अलग कर। इसी तरह से बेटा चौथा घर, चौथे घर के अंदर भी अगर मान लीजिए चंद्रमा बैठे हुए हैं, साथ में उसके सूर्य बैठे हुए हैं या बृहस्पति बैठे हुए हैं और साथ में पापी ग्रह आकर के मिल जाए तो ऐसी अवस्था में हालात क्या बनते हैं? हालात ये बनते हैं कि बुढ़ापे के अंदर आदमी पहले तो पूरी जिंदगी कमाता है, पूरा परिवार बनाता है, सबकी मदद भी करता है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर पैसे की कमी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आदमी स्वेच्छा से ही ये चाहने लगता है कि इस घर में रहकर मैं अब क्या करूंगा, क्योंकि उसने जिंदगी के अंदर सबको सुख दिया होता है, जब उसका सुख लेने की बारी आई तो या तो सब अपने अपने कामों में मस्त हो जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं। और खास तौर पे जब चौथा घर डिस्टर्ब हो उस वक्त में जैसे बॉर्न फायर वगैरह करना या आग जलाने का कोई धंधा करना, बेटा इन कामों के अंदर इंसान हो तो जिंदगी के अंदर बहुत ही खराबियों के हालात पैदा होते हैं। फिर ऐसी ही अवस्था के अंदर केतु अगर बहुत ही खराब अवस्था के अंदर आ जाए और 52 साल की उम्र उसकी क्रॉस होने लगे, बेटा तब इंसान ने सारी जिंदगी कमाई करके अपने पूरे परिवार को भी पाला होता है और बच्चों को बड़ा किया होता है, जो उनको चाहिए होती है वो सारी शिक्षा दी होती है, लेकिन बुढ़ापे में मियां बीबी अकेले रह जाते हैं, यानी कि औलाद दूर दूर जाकर के काम करती है और आपस में भी विचारों के मिलने की हालात वो भी खराब होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो भी अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो जाते हैं। तो बेटा ये एक कुछ एक योग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ केतु की दी हुई टेंशनें, केतु की दी हुई खराबियां, केतु के ही दिए हुए सारे पाप इन हालातों के अंदर आगे आते हैं और इंसान का बुढ़ापा टोटली बिगाड़ जाता है। गुरु जी आज हम बात कर रहे हैं बुढ़ापे की कि आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, तो आपने लक्षण तो बता दिए हैं, आपसे उपाय जानना चाहते हैं कि क्या उपाय किए जा सकते हैं ऐसे कि हमारा बुढ़ापा अच्छा जाए। बेटा औलाद से संबंधित किसी भी तरह के दुख आ जाए, यानी कि औलाद पास में रहती ना हो, पास में रहते हुए बेकार और नकारा हो, या औलाद छोड़ के चली जाए और या फिर आदमी अपना घर बार छोड़ के किसी वृद्ध आश्रम वगैरह में जाके रहने लगे, इन सब के लिए जो जिम्मेवार होता है वो केतु ही होता है। और केतु को अच्छा करने के लिए राहु के उपाय करने बहुत जरूरी होते हैं और वो क्या है, जिस किसी के साथ इनमें से किसी भी तरह की तकलीफ हो बेटा, सबसे पहले तो वो नियम बना ले कि साल में 2 बार यानी कि हर 6-6 महीने के गैप पे अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करें। दूसरा उपाय, 200 ग्राम जौ या 800 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धोकर के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाएं। और तीसरा उपाय, हर महीने एक काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के चाहे राह चलते किसी गरीब को दान में दे दे या मंदिर में दे दे तब भी चलेगा। और केलों का दान, यानी कि हर रोज 3 केले का दान देना कम से कम 43 दिन, अगर उसके बावजूद भी आप बाद में भी कुछ दिन 3 केले का दान करते रहते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा बेटा। और जिनका भी ये केतु खराब हो उन लोगों को अपना कान छिदवा के बेशक पतला सा एक स्टड सोने का, सिर्फ सोना ही धारण करना चाहिए क्योंकि चांदी या कोई और धातु धारण करे तो ये केतु को उल्टा खराब करती है। तो इसीलिए बेटा यहां बृहस्पति और केतु का मेल बनाना बहुत जरूरी है। तो जिनको भी औलाद से संबंधित किसी भी तरह के दुख है बेटा वो अपना कान छिदवा के सोना जरूर धारण करें
मात्र इतने से किए हुए उपाय और लगातार चलने वाले उपाय बेटा जिंदगी के अंदर से लगातार दुखों को दूर करते चले जाते हैं और जिंदगी के अंदर के हालात को बहुत अच्छा बनाते हैं। बेमतलब की बनने वाली जितनी भी टेंशनें हैं औलाद और अपने बीच में, उन सबको ये उपाय दूर करने में पूरी सक्षमता रखता है। तो ये करें और बुढ़ापा सुख से मिलाए। और अब बारी आती है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल जानने की। जान लेते हैं गुरु जी से आज आप सभी का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों का दिन तो अच्छे मंगल कार्य से शुरू होगा, परंतु परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है और खामखाई के वाद विवाद वो पीछे पड़ सकते हैं। सिंह राशि वालों का आज स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, कामकाज के अंदर मन भी अच्छा लगेगा, हर तरह का जोश दिखाई देगा, पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा, परंतु थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है। आज गलत संगति की तरफ आकर्षित नहीं होना, नहीं तो आपका दिन खराब भी हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं पूरी तरह से लगेगा, कोई न कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसीलिए घर में भी चलते फिरते थोड़ा सा ध्यान रखें और बेमतलब का कोई न कोई वाद विवाद आपके ऊपर लग सकता है, तो इसीलिए थोड़ा संभल के आज का दिन गुजारे अच्छा रहेगा। गुरु जी, बुढ़ापा ज्यादातर उन लोगों का खराब होता है जिनके बच्चे साथ नहीं देते हैं, बुढ़ापे में बच्चे साथ छोड़ जाते हैं, क्या ऐसे कोई उपाय पहले से ही किए जा सकते हैं जिससे कि बुढ़ापे में बच्चे साथ दें और बुढ़ापा अच्छा गुजरे? बिल्कुल बेटा, इसीलिए हमारे आज तक के संस्कार बने हुए हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें समझाया कि मंदिर के अंदर जाना चाहिए, मंदिर में जाकर के मिठाई का दान देना चाहिए, मंदिर के अंदर प्रसाद कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि पुजारी जी स्वयं खरीद के नहीं लाते प्रसाद, वो जब भी खरीद के लाएंगे मजबूरी में खरीद के लाएंगे। सही मायने में ये आपका और हमारा ही फर्ज है कि मंदिर के अंदर बटने वाले पतासे, मिश्री या मीठी वो जो फुलियां होती हैं वो, ये कभी भी खत्म ना होने दें। और मीठी फुलियों का विधान, ये चंद्र क्योंकि चावल की बनती है और ऊपर मीठा लगा हुआ यानी कि मंगल, मंदिर के अंदर मीठी फुलियों का देना चंद्र और मंगल को अपने आप अच्छा करता चला जाता है। यानी कि इसका मैं सीधा सीधा लॉजिक बता देता हूँ कि अगर धन भाव के अंदर मान लो राहु है, केतु है, कोई भी पापी ग्रह है, लेकिन साथ में ही चंद्र मंगल इनकी वस्तुओं को जब आप मंदिर में देते चले जाते हो तो वहां बैठे हुए पापी ग्रहों की ताकत अपने आप क्षीण होते चले जाते हैं। तो यानी कि मंदिर के अंदर मीठी फुलियों का दान देना, पतासों का दान देना, मिश्री का दान देना, बेटा ये चंद्र मंगल को अपने आप धन भाव के अंदर पहुंचाता रहता है और जब ये पहुंचता रहता है परिवार सदा एक रहता है। ये एक उपाय तो है ही जो आपको सुख देने के लिए। इसके बाद अगर आप बृहस्पति को भी साथ में अच्छा करके चलेंगे, आपके जीवन में कभी भी औलाद की तरफ से दुख तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और बृहस्पति को अच्छा करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, जो भी आपके कुल पुरोहित रहे हो, पुरोहित कौन से होते हैं बेटा, जब आपके घर में भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त में जब आप फूल डालने जाते हैं गंगा जी पे और वहां जाके जिस पुरोहित जी को आप लिखवा के आते हैं वो आपके पुरोहित होते हैं बेटा, उन पुरोहित जी को मानना और जब भी चाहे शौकिया तौर पे घूमने गए या ऐसे किसी कर्म के लिए गए बेटा उनके पास जाना, चाहे आपके पास समर्था के अंदर 21 रुपए आपकी जेब से निकले बेटा, वो उनको दे के पांव हाथ लगाकर अपने परिवार के एक रहने का, परिवार के अंदर ज्ञान होने का, परिवार के अंदर संस्कार बने रहने का, घर के अंदर समृद्धि बने रहने के मुंह से कह के आशीर्वाद लेके आए बेटा। पुरोहित को देखने में बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसे इंसान ही होते हैं, लेकिन ये कुदरत का विधान है कि किसके मुंह से निकला हुआ कौन सा शब्द तुम्हारे लिए फलीभूत होगा। जिनके लिए बृहस्पति खराब होता है बेटा, वो अगर अपने पुरोहित जी का आशीर्वाद लेते रहे तो पुरोहित जी के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद एक तरह का ब्रह्म वाक्य बनता है। इसीलिए चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो बेटा, कुछ भी हो, वहां पर जो भी पूजा पाठ करने वाले बुजुर्ग हो, जिनके बाल बिल्कुल सफेद हो बेटा, उनके जाके पांव हाथ लगा करके इसी तरह के आशीर्वाद लेते रहना, ये भी बृहस्पति को अच्छा करेगा। और फिर भी औलाद की तरफ से दिक्कत आए तो घर की जो औरत है उसको चाहिए कि एक संकल्प ले कि हर बृहस्पतिवार का वो व्रत रखेगी। अगर वो व्रत भी नहीं रख सकती तो एक काम जरूर करे कि हर बृहस्पतिवार को पीपल के ऊपर कच्चा पीला सूत लपेट करके जल जरूर चढ़ाए। बेटा जिस घर की औरत ये कार्य करती रहती है
उस घर का बृहस्पति कभी नहीं बिगड़ता, घर में क्लेश नहीं रहते, समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती, बच्चों की तरफ से हमेशा सुख रहता है। और जिन बच्चों की खास तौर पे पढ़ाई के अंदर विघ्न बाधा पड़ी रहती है, कभी भी कामयाब नहीं होते, उनकी माएं अगर ये उपाय करती हैं तो उनके बच्चों को इसका भी बहुत शुभ फल प्राप्त होता है और हर तरह की दुख तकलीफ घर से दूर होती है। तो बेटा इतने से उपाय करके देखो, औलाद का सुख भरपूर मिलेगा। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ से विवेक जी जुड़े हुए हैं लाइव, आइए उनसे बातचीत करते हैं। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम विवेक कुमार यादव है, मैं भदोही का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म तिथि 1994 है, 6:36 सुबह। विवेक जी आप सवाल कर सकते हैं। मेरा समस्या ये है कि मैं अभी 23 साल का हो गया हूँ, मैं जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई किया, अभी सक्सेस नहीं हुआ हूँ। आप बताइए कि मैं कब तक मेरी नौकरी लग जाएगी, क्या मैं सक्सेस हो जाऊंगा। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग है उसके अंदर मुझे नौकरी के हालात बहुत ही कमजोर नजर आ रहे हैं, इसीलिए अब शुरुआत में नौकरियां तो करनी पड़ेंगी, लेकिन बेटा तुम नौकरी किस तरह की करो, किसी भी तरह का। बेटा अगर टूर एंड ट्रेवल्स का काम होता है वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, अगर इंसानों के साथ जुड़ के करो, या फिर किसी भी तरह के कोरियर के काम या कोरियर कंपनी के अंदर जाके काम करना, ये तुम्हारे लिए बढ़िया है। किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर जिसके अंदर की इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो, इंटीरियर बनाने संवारने का काम हो, चाहे वो ऑफिसों का हो चाहे वो घर का है, बेटा इनके साथ जुड़ करके काम करते हो तब भी तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है। तो बेटा इस तरह की किसी कंपनियों के साथ जुड़ के पहले इनके साथ काम करो, क्योंकि भविष्य में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर बनना लिखा है, टूर एंड ट्रेवल्स के काम करने लिखे हैं और बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कामों के काम लिखे हैं। तो बेटा इन्हीं साइडों में अगर जुड़ोगे तो ही पार उतरोगे, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर बृहस्पति और राहु का गुरु चंडाल योग जो तुम्हारे गुस्से को बढ़ाएगा, बड़े बुजुर्गों के साथ विचारने मिलने देगा और पैसे को खराब करने की ऐसी स्थिति की जो पहले पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से कामयाबी ना दे और दे तो उसके अकॉर्डिंग लाभ ना दे, तो इसको पहले ठीक कर लेना बहुत जरूरी है बेटा तुम्हारे लिए और उसके लिए उपाय पांच सौ ग्राम जौ लेके उनको दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे रखो। जो तुम्हारे घर की चौखट है बेटा उसके ऊपर यानी कि दहलीज के ऊपर चांदी का पत्रा, जितनी लंबी वो दहलीज हो उतना ही लंबा और आधा इंच चौड़ा बेटा अपने घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पत्रा लगाओ। तीसरा बेटा 43 दिन लगातार 500 ग्राम जौ को दूध के साथ धोके उनको जलप्रवाह कर दो और 11 दिन लगातार 11-11 मूली अपने सिराने पत्तों सहित रखो और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर। मात्र बेटा इतना सा उपाय करके देखो, तुम्हारे सारे रास्ते तुम्हें खुलते नजर आएंगे, परमात्मा की दया से हर तरह से खुशी का वातावरण बनेगा और तुम्हें कामयाबी बहुत अच्छे दर्जे की मिलेगी। समय तुम्हारा भले ही ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन आने वाला समय जनवरी 2019 के बाद का तुम्हारा समय बहुत बेहतरीन रहेगा। तो उससे पहले पहले ये उपाय भी करो, अपने प्रयास करो, कहीं ना कहीं काम जरूर लगेगा, लेकिन आप सीखने के लिए नौकरी पे जाओ ना कि नौकरी करने के लिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें अपना काम करना है। दाता समय अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, इस शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं, तो आप gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। मेल में ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही आप गुरुजी से अगर सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। पूजा है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। हाँ जी गुरु जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछने जाती हूँ। उनका नाम दीपक है और उनका जन्म है लुधियाना में, डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1974 और समय मैं 4:30 मॉर्निंग। गुरु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई दिनों से उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो प्रॉपर्टी डीलर के काम करते हैं, वो जो भी कोई डील या कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है फिर। बेटा क्या ये ज्योतिष भी पढ़ते हैं? कभी कभी ऐसे मतलब वो नहीं है। बेटा इनकी कुंडली के अंदर ज्योतिषी बनना लिखा है,
ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम कर सकते हैं, किसी भी तरह के टूर एंड ट्रेवल्स का काम ये खोल सकते हैं बेटा। इन सारी कामों के अंदर इनको अच्छी समृद्धि लिखी हुई है, लेकिन प्रॉपर्टी की डीलिंग के अंदर इनके बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है। ओके, दूसरी बात बेटा, इनका केतु बहुत खराब है और अभी अभी मैं जिक्र करके हटा हूं कि जिसके अंदर बुढ़ापे के अंदर तकलीफें ज्यादा होती है, खासतौर के औलाद के हाथों से। सूर्य और शुक्र का मेल धन भाव के अंदर साथ में राहु और केतु की दृष्टि टेंस में रखती है, बेकार के भटकाव देती है, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुखों के अंदर कमी के योग देती है और यही पैसे को एक तरह का आग लगाने का काम करती है। आदमी खुद अच्छे दिल का, सबके लिए खर्च करने वाला, लेकिन बार बार पैसे की तंगी के हालात तना होते हैं। और बृहस्पति देव पांचवें स्थान पर बैठे हुए जिंदगी के अंदर कभी भी ढंग से कामकाज नहीं चलने देते। जब तक बेटा इन दोनों योगों का इलाज नहीं करके चलोगे, तब तक ये फ्लक्चुएशन बंद नहीं होगी। और इसका इलाज है हर साल काला सफेद एक कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के उसको वीरान जमीन में दबाओ, और हर 3 महीने बाद एक काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के उसको मंदिर में दो। ये पहला योग उपाय। दूसरा, 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना, और ये हर साल करना है बेटा ये उपाय। अब इनके कामकाज के लिए, जो इनके कामकाज को बहुत अच्छा स्मूथली चला सकता है, और वो उपाय क्या है, 43 दिन 20 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह करें। जब तक बेटा ये वाले उपाय नहीं होंगे, तब तक कामकाज के लिए अस्थिरता का माहौल सदा ही रहेगा। धीरे धीरे करके इनके अंदर कड़वापन आ जाएगा, जो लोगों को बुरा लगेगा। जिनके साथ जुड़ेंगे भी थोड़ी देर के बाद वही लोग इनको धोखा भी देंगे, और भाइयों के साथ में भी कुछ खास अच्छे हालात नहीं लिखे हुए, उनके सुख जिंदगी के अंदर काफी कमजोर लिखे हुए हैं। तो इसलिए बेटा ये उपाय कर, तब जाकर के इनको कामयाबी मिलेगी, और इनको ज्योतिष पढ़ते रहें, क्योंकि आगे चल के ज्योतिष के काम के अंदर इनको बहुत नाम और बहुत अच्छी कमाई लिखी हुई है। दाता सुक्त। अगर आप भविष्य से जुड़ी जानकारियां जानना चाहते हैं तो गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भविष्य से जुड़ी सभी जानकारियां आप इस ऐप में पा सकते हैं। इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुरुजी से जानेंगे आज का गुरु मंत्र। ऐसा नहीं है कि कोई भी पिज्जा खा लूंगा मैं, लगते हैं तो राहु देता है। अब राहु की उसमें शरारत जरूर होती है, चाहे वो बृहस्पति रोक दे, चाहे वो मंगल रोक दे, चाहे वो शुक्र रोक दे, कोई भी दे, उसके अंदर राहु का हिस्सा जरूर होता है। और ये जब राहु और केतु जन्म कुंडली के अंदर खराब होते हैं, और बाकी के भी जो सौम्य ग्रह हैं वो भी खराब होकर के इनके साथ जब संबंध बना लेते हैं, तो बेटा तब जाकर के हालात इतने खराब होते हैं कि इंसान अपने बुढ़ापे में या बुढ़ापे से पहले ही चारपाई पे लग जाता है। और जो भी इंसान चारपाई पे लग जाता है उसके अंदर जिदपन आता है, चिड़चिड़ापन आता है, टोका टाकी की आदत आती है, और ये सब जब आदतें आती हैं तो परिवार भी इन सारी चीजों से इरिटेट होता है, और कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं कर पाता। और उसके बाद में उनका ध्यान तो जरूर रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई दूरी एक बन जाती है, जो कि फिर वो बड़े बूढ़ों को जो चारपाई पे लगे हुए उनको खलती है। बेटा जो मर्जी कहो, ये है तो बहुत ही खराब वाला सीन ना। अगर घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसके साथ ऐसा हो चुका है बेटा, उनके लिए परिवार वालों को ही उपाय करने पड़ेंगे। अगर आप ये उपाय करके चलते हो तो देख लीजिएगा, परमात्मा ने चाहा थोड़े ही दिनों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे हालात तुम्हें देखने को जरूर मिलेंगे। दवाइयों का दौर भी बंद नहीं होगा तो कम होगा। अगर वो ये उपाय होने के बाद में अगर वो उठ के दौड़ेंगे नहीं तो कम से कम उठ के बैठ तो सकते हैं। स्वभाव में अगर काफी खिनता आ चुकी है तो वो भी काफी बदलाव नजर आएगा। ये उपाय जरूर करना बेटा। सबसे पहले बिल्कुल पका हुआ पीला कद्दू, हरा नहीं होना चाहिए कहीं से भी, बिल्कुल पका हुआ पीला कद्दू, लेकिन साबुत होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा ना हो। ये लाके उनके ऊपर से सर से लेकर पांव तक 7 बार उतार के बेटा उसे मंदिर के अंदर रखा। पहला उपाय तो ये। और ये उपाय अगर हर महीने महीने में एक बार 3 महीने तक कर दिया जाए बेटा, बहुत ही अच्छा असर होगा। दूसरा उपाय कि महीने में एक बार आप जितने घर के मेंबर हो उतने आप काउंट कर लीजिए, 2 हो 4 हो 5 हो 7 हो जितने हैं उनको काउंट कर लीजिए, और प्लस उसके ऊपर 4 रोटी, एक
ये बना लो, ये चाशनी के अंदर, गुड़ की चाशनी के अंदर आटा गूंद के बेटा उसके अंदर आप ये पेड़े तैयार करो आटे के, और उनको तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालो। ये हर महीने की एक तारीख फिक्स कर लीजिए, एक ये हो गया। तीसरा उपाय, हर रोज ऐसे बुजुर्ग के सिरहाने 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का ये रख के सोए, और सुबह उठ के थोड़े दिन आप ही को तकलीफ करनी पड़ेगी कि सूर्य उदय से पहले आपने वो सिक्का उठाना है और बाहर जाकर के कोई भी सफाई कर्मचारी आपको मिलता है बेटा उसको दान में दे। जो भी लोग ये वाला टैक्स चुका देंगे बेटा उनके घर के बुजुर्गों का ये जो बुराई वाला हालात बने हुए ये सारे दूर होंगे, बीमारियां दूर होंगी, घर में आने वाली दवाइयां बंद होंगी। अल्टीमेटली तो आप ही का फायदा है क्योंकि आपके घर का बुजुर्ग भी सुख पाएगा और दवाइयों के पैसे भी बंद होंगे। तो बेटा ये उपाय जरूर करो ताकि आप अपनों का बुढ़ापा सुख में बना सके, उनके शरीर को अच्छा बना सके। दाता सुख। अगर आप भी भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो अब तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव के ऐप चल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको इस छोटी सी ऐप में मिलेगा। साथ ही आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कर सकते हैं अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर हमें लिख भेजिए। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करके गुरुजी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बुढ़ापे में कुछ लोगों का स्वभाव खराब हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ाने लगते हैं, घर वालों पे बेवजह लड़ाई करते हैं, ऐसा क्यों होता है और इसके लिए भी क्या उपाय कर सकते हैं वो खुद या घर वाले? बेटा ये सच बात है, शनि जब अपने लगन के साथ कंसर्न करके बैठ जाए, धन भाव के अंदर कंसर्न कर जाए, तो ऐसे में अगर ये खराब शनि है तो बेटा ये बढ़ती उम्र के साथ में इंसान को इतना चिड़चिड़ा बना देते हैं कि किसी की बात भी नहीं सहते, जब भी बोलते हैं तो कड़वा ही बोलते हैं, जिसके कारण वो स्वयं ही अपने बच्चों से अलग रहना चाहते हैं और खुद ही अपने हालात ऐसे बना लेते हैं कि किसी की कही कोई बात अच्छी नहीं लगती, किसी की दी हुई कोई एडवाइस अच्छी नहीं लगती और स्वयं भी एडवाइस कोई देना नहीं चाहते, यानी कि स्वभाव का टोटली खराब हो जाना, ये वाकई में बहुत तकलीफ देह स्थिति है। ऐसे में इन लोगों को खास तौर पे बुढ़ापे के अंदर एक के बाद एक बीमारियां भी होती है जिसमें कि इंसान चलता फिरता तो जरूर रहता है लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ भी पाता है और स्वयं अपने ही बच्चों का खाम खाई दुश्मन भी बना रहता है। इस चीज को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे स्वभाव का अगर इंसान हो गया तो बेटा वो ना तो भगवान को मानेगा ना ज्योतिष को मानेगा। भगवान को एक पल के लिए मान भी ले लेकिन ज्योतिष को तो बिल्कुल नहीं मानेगा। इसीलिए ये उपाय उसके परिवार के लोग ही कर सकते हैं, उसके लिए वैसे संभव नहीं हो सकता। और वो उपाय क्या है, हर बृहस्पतिवार को तांबे के लोटे में थोड़े से चावल और थोड़ी सी चने की दाल डाल के बेटा उसको मंदिर के अंदर जरूर देते रहो। सबसे पहला तो ये उपाय करना और हो सके तो इस तांबे के लोटे के ऊपर लाल चंदन का लेप भी लगा दो, वो और भी उत्तम यानी कि और अच्छा फल देगा। दूसरा, हर शनिवार को उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा यानी कि लोहे के पात्र के अंदर ये सारी चीजें डाल के और काले कपड़े से बांध के हो सके तो उनका हाथ लगवा के या उनके सर से 7 बार उतार के, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो बेशक आप अपनी तरफ से वैसे ही बेटा चाहे ये किसी को दान में दे दो और चाहे किसी को जल प्रवाह, ये हर शनिवार के शनिवार ये उपाय करते रहो। पर इसका असर कम से कम 11 शनिवार के बाद आएगा और कई बार तो 27 शनिवार लग जाते हैं। तो बेटा ये उपाय दोनों करके देखो, इन बुजुर्गों के स्वभाव भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और अपनापन भी बनेगा। तो ये उपाय करो, सुखी रहो। और अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आप सभी का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। आज आपका मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, पारिवारिक सुख भी अच्छे मिलेंगे, मन में नया जोश उत्साह सब देखने को मिलेगा और कामकाज की तरफ से भी सुकून वाले हालात प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों की भी दिन की शुरुआत किसी न किसी खुशखबरी से होगी, किसी मंगल कार्य से होगी और आपकी वाणी का प्रभाव भी काफी अच्छा आज बना रहेगा और मन में नया उत्साह और जोश वो भी दिखाई देगा, यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा रहेगा।
मीन राशि के बच्चों के लिए तो आज का दिन उत्तम है, यानी कि अगर कोई पढ़ाई लिखाई करनी हो, किसी परीक्षा या प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेना हो तो उसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। परंतु बाकियों के लिए आज परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, धन की खर्च की अधिकता आज बनी रहेगी और यात्राओं से बचे क्योंकि आज एक्सीडेंट का भी खतरा बनता है। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आगरा से हर्ष भास्कर जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम हर्ष भास्कर है, मेरी जन्म तिथि 2 जून 1976 है, समय 9:30 बजे का और जन्म स्थान आगरा है। हर्ष जी सवाल कर सकते हैं। गुरु जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं एजुकेशन लाइन में काफी साल से काम कर रहा हूँ, 18 साल करीब हो गए और सफलता मेरी संतुष्ट मेरे अपेक्षा से ज्यादा ही मुझे मिली हुई है। क्या मैं अपनी लाइन में ही बना रहूं या किसी और बिजनेस में अपना हाथ आजमाऊं? हर्ष बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर काम अगर मैं देखूं निकल के आए तो वो यही निकल के आता मोटिवेशनल गुरु, यानी कि लोगों को समझाना बुझाना एडवाइस करना यही काम, तो शिक्षा का क्षेत्र भी यही है। तो ठीक है बेटा इसके अंदर लगे रहो, तुम्हारा भविष्य अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वो वही कर सकते हो कि अपना किसी भी तरह का ट्यूशन सेंटर खोलो, कोचिंग सेंटर खोलो, जिसके अंदर की बच्चे आए और उनको तुम समझा बुझा करके ये सारा काम करो, उनको पढ़ा करके काम करो, यही काम तुम्हारे नसीब है। चंद्र और शनि का मेल 12वें स्थान पर बैठा हुआ, कहते लोहे से संबंधित अगर कोई काम करा वो भी डूब जाएगा, लकड़ी से संबंधित कोई काम करा तो वो भी डूब जाएगा और व्यापार के योग बिल्कुल नहीं है। खास तौर पे माता पिता से अगर पैसे लेकर के तुम किसी भी तरह का व्यापार करोगे तो वो तुम्हारा चलेगा ही नहीं। तीसरा अगर आग जलाने से संबंधित किसी भी तरह का कोई काम धंधा तुमने कर लिया तो भी जिंदगी खराब, और अगर अपने घर पे भी तुमने बॉनफायर वगैरह करना या कच्चे कोयले जला करके कुछ उनको भूनना वगैरह कुछ भी ये सब कुछ किया तो भी तुम्हारे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। घर के अंदर जब भी टॉयलेट बाथरूम गेट सीढ़ियां छत या फर्श जब ये रिपेयर करोगे तब तब मुसीबतें आएंगी। तो इसीलिए बेटा इन चीजों का बचाव करके रखो, और पैसे के जमा होने में थोड़ी दिक्कत तो जरूर है लेकिन कमी कोई नहीं है। इसी वजह से सिर्फ बहुत ही मामूली उपाय बताने जा रहा हूं बेटा, ये उपाय अगर तुम करके तो बेटा जिंदगी के अंदर सदा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ही तुम्हें बहुत अच्छी कामयाबी रहेगी। और वो उपाय है 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के बेटा चाहे मंदिर दे दो चाहे जल प्रवाह। और दूसरा बरसात का पानी कांच के मर्तबान के अंदर भर के अपने घर के अंदर रखो। और तीसरा भूल के भी शराब मांस का प्रयोग नहीं करना, मात्र इतने से उपाय करके चलो और जीवन में सुखी। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, इस शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो आप gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। मेल में ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही आप गुरुजी से अगर सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए। इस वक्त कॉलर हमारे साथ हर्षा जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जय माता दी गुरु जी। खुश रहे दाता, सुख दे बेटा। गुरु जी मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, मैं थाना से बात कर रही हूँ। उनका जन्म तिथि है 8/3/1982 और समय है 12:49। रात के 12:49। हाँ जी। और कहाँ का जन्म है बेटा? उनका थाना का ही जन्म है गुरु जी। क्या जानना चाहते बेटा? गुरु जी मैं अभी दिसंबर में भी आपसे मुलाकात हुई थी, उनकी जॉब को लेकर काफी दिक्कतें चल रही है और बच्चों को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं, घर भी खुद का नहीं है बेटा। इनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अष्टम भाव में जो जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम दुर्घटना धोखा क्लेश जैसी स्थिति रहते हैं, ठीक है ये पति पत्नी के सुख और औलाद के सुख को अच्छा भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए केतु बार बार खराबियों के ऐसे हालात देते हैं जो धन के लिए और परिवार की सुख शांति के लिए कुछ न कुछ बिगाड़ते हैं। और तीसरा बेटा बुध की खराबी जो तीसरे घर की बैठी हुई बेटा ये कहते जिंदगी के अंदर बार बार ऐसे हालात पैदा करती है कि बिन पैदे के लोटे की तरह जिंदगी बिखरती, पता नहीं चलता कि ये जाएगी किधर, और जब तक इनके इलाज नहीं पूरी तरह से होते तब तक पूरी तरह से सुख देर तक टिकने वाले वो मुकम्मल उनके अंदर तकलीफें रहेंगी। उसके लिए बेटा उपाय
आठ दिन लगातार आठ आठ खोटे सिक्के लेकर के उनको जल प्रवाह करो, ये हर साल करने हैं बेटा। और दूसरा, ढाक के साथ पत्ते लेके उनको दूध के साथ धोके उनको वीरान जमीन में खड्डा खोद के दबाना है, और जब आप पत्ते अंदर रखो तो ऊपर एक कोई पत्थर रख के फिर खड्डा बंद करें, और खोदने का औजार और जिसमें दूध लेके गए बर्तन में वो वहीं पे गिराएं, ठीक है। फिर उसके बाद हर रोज आपने अपने सिराने मूंग साबुत को रखना है पानी के अंदर भिगो के, और सुबह उठ के पक्षियों को डाल देना, ये दूसरा। अब फाइनल उपाय बेटा, जो इनकी जॉब के लिए बहुत जरूरी है और इनको हर तरह का सुख देगा, थोड़े से यानी कि हर रोज दो चार आलू लेके बेटा उनको बीच में से काट के और उनके ऊपर हल्दी लगा के तुम या तो गाय को खिला दो या फिर किसी गरीब को दान में दे दो। और ये आलू का जो दान है कम से कम तुम्हें 96 दिन करना बेटा। अगर ये तुम उपाय कर देते हो, कामकाज की तरफ से आने वाली किसी भी तरह की अड़चने चाहे नौकरी की स्थिरता बेटा, इन सब की तरफ से रिलीफ मिलेगा और परमात्मा की दया से हर तरह से उत्तम जिंदगी जाएगी, खुश रहेगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, गगन है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। 9 सितंबर 1971। समय शाम के 7 बजे। और जन्म स्थान समस्तीपुर। क्या जानना चाहते हैं? मैं थोड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल और कर्ज वगैरह ज्यादा हो गया। बेटा जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और शनि का मेल ऐसा हुआ हुआ है जो धन को खराब करता है, और यही योग कंफ्यूजन के अंदर भी फंसा के रखता है। और खास तौर पे इस वक्त में घर के अंदर अगर सीलन ज्यादा आ जाए तो फिर तो मामला बहुत ही बिगाड़ता है। ऊपर से सूर्य शुक्र का मेल बेटा जो छठे घर में बैठा हुआ है, ये जीवन साथी के सुख और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, उसमें भी ये कमियां डालता है। फिर बुध देव की दृष्टि मंगल के ऊपर जो पड़ रही है बेटा, ये भी काम धंधों को ऊपर पहुंचा के नीचे गिराती है, जबकि अपने अंदर हर तरह की अच्छी अकल, हर तरह की काबिलियत, काम करने की क्षमता सब कुछ होने के बावजूद ये बिगाड़ती है। तो बेटा तीन तीन योग बने हुए हैं तुम्हारे कामकाज को नीचे गिराने के लिए। अब इस वक्त दिखावे के अंदर सब कुछ, लेकिन अंदर से मुसीबतों के पूरे बंडल भी खड़े होने के हालात है। इसके लिए उपाय लिखो बेटा। सबसे पहले जो छोटी छोटी कन्याएं होती है बेटा, इनको हर बुधवार को तुमने जो चुनिया होती हैं वो छोटी छोटी सी उनके सर के ऊपर डाल के और मिठाई कुछ ना कुछ खाने को देनी है, दोनों में रख के उनको मिठाई खाने को दो। ये कोई भी बुधवार अगर नहीं चुकोगे बेटा तो तुम्हारे लिए बहुत ही। और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे के ऊपर लगाना मत भूलना, क्योंकि ये दो उपाय बेहद अहम है। एक तो ये चीज। दूसरा बेटा, घोड़ा हो चाहे घोड़ी हो उसको चने की दाल खिलाते रहो, और हर महीने 4 नारियल पूजा वाले लेके उनको सरसों के तेल का तिलक लगा के काले तिल ऊपर लगा करके बेटा उनको जल प्रवाह कर दो महीने में सिर्फ एक बार। और पत्नी को कहो कि गुड़ खाना टोटली बंद करे, समझे, नहीं तो आपस के सुख पहले ही कमजोर लिखे हुए हैं। और साथ ही इसके कभी कभार बेटा काला सफेद कंबल का दान देना या सफेद धोती काली किनारी वाली, ये लेकर के किसी जवान पंडित को दान में देना। अगर ये उपाय होंगे बेटा तो तुम्हारे हर तरह के काम बनेंगे, मुसीबतों का दौर टल जाएगा। इस वक्त जो तुम्हें एक्सट्रीम टेंशन में चल रहे हो बेटा, ये सारी मुसीबतें खत्म होकर के उल्टा लाभ के हालात पैदा होंगे, ठीक है। इन उपायों को करो, सुखी रहो। अगर आप भी भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो अब तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको इस छोटी सी ऐप में मिलेगा। साथ ही आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कर सकते हैं अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर हमें लिख भेजिए। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करके गुरुजी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा अगर आज बुढ़ापे की, परिवार के इकट्ठे रहने की और घर से तकलीफें निकालने की बात हो रही है, बीमारियों को दूर भगाने की बात हो रही है, तो आज का गुरु मंत्र भी उसी से संबंधित है। जब भी किसी की उम्र 52 साल क्रॉस कर जाए वहां आकर के बेटा सब ग्रहों को दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है, और सारे के सारे ग्रह चाहे अच्छे वाले भी चाहे बुरे वाले भी, इनको काबू में करने का सबसे उत्तम रास्ता क्या है? सबसे उत्तम रास्ता है
कि बुधवार या बृहस्पतिवार का दिन दोनों में से कोई एक दिन चुन लीजिए और इसमें सतनाजा, सतनाजे में क्या होगा, सतनाजे में सूर्य के लिए बाजरा डालें, चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए लाल मसूर, बुध के लिए साबुत मूंग और बृहस्पति के लिए चने की दाल और शुक्र के लिए सफेद ज्वार थोड़ी सी और शनि के लिए उड़द साबुत और राहु के लिए थोड़े से जौ। बेटा ये सारी चीजों को आपस में मिलाकर के अगर आप बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन इसका खास तौर पे दान करते हैं और इन सब चीजों को मिलाकर ये कम से कम किलो से 2 किलो के बीच में होनी चाहिए या 2 किलो के तक होनी चाहिए। अगर ये आप एक दान पकड़ लें अपनी 52 साल की उम्र के पार तो घर के अंदर सुख शांति समृद्धि सदा बनी रहेगी, अपने बच्चों के साथ पड़ोसियों के साथ रिश्तेदारों के साथ हालात अच्छे बने रहेंगे, कभी भी स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी दिक्कतें कभी नहीं सताएंगी और स्वभाव कभी खराब नहीं होगा। तो बेटा ये आज का गुरु मंत्र हर बुजुर्ग इंसान के लिए है। जो जो इंसान अपनी 52 साल की उम्र के बाद ये सब करता रहेगा और लगातार लंबे समय तक चलाएगा उसका बुढ़ापा जिंदगी में कभी भी खराब नहीं हो सकता किसी भी दुख की वजह से। तो ये करते रहिए, सदा सुखी रहिए। तो आज गुरुजी ने हमें बताया कि कैसे हम अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं और अगर आप बुढ़ापे में परेशान हैं तो कैसे आप उपाय करके और लक्षणों को याद रख के आप अपने बुढ़ापे को और भी खुशहाल बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी सारी जानकारी के लिए। दाता सबको सुखी रखे, खुशी बख्शे बाबा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।